जैप जो सॉफ्टवेयर होता है आफ्टर द इंस्टॉलेशन उसको कैसे चलाया जाए लाइनक्स के अंदर। कई बार मुश्किलें हो जाती है कि लाइनक्स के अंदर हम ढूंढ नहीं पाते कि उस चीज को कैसे चलाया जाए, क्योंकि इसमें यूजर इंटरफेस तो है नहीं, इसमें सारा काम जो है टर्मिनल पर है। तो आज हम यही जानेंगे कि आफ्टर द इंस्टॉलेशन हाउ कैन आई रन जैप सॉफ्टवेयर इन Kali Linux। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैम्प होता क्या है कि जैम्प एक लोकल सर्वर है जो हम जब भी हम होस्टिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है या हमारा जो एप्लीकेशन है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो इसीलिए हम जैम्प का यूज करते हैं। तो आइए हम लिनक्स के अंदर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम जैम्प को रन करते हैं बाय टर्मिनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा जो जैम्प होता है ये जैम्प का सॉफ्टवेयर होता है आफ्टर द इंस्टॉलेशन वो हमेशा कंप्यूटर में जाकर हमेशा ऑप्शनल में ऑप्शन एक ऑप्शनल एक फोल्डर होगा हमारा उसमें जाता है। ठीक है, ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर सभी जो भी एप्लीकेशन जो डाउनलोड होते हैं वो हमेशा जो भी एप्लीकेशन जो आउटसाइड से डाउनलोड होते हैं तो वो हमेशा ऑप्शंस में जाते हैं। सो यहाँ पे वो सारे एप्लीकेशन होंगे जो आपने डाउनलोड किए होंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लैम्प में चले जाते हैं। लैम्प वो सॉफ्टवेयर है जहाँ पे जो जैम्प है वो डाउनलोड होता है, इसके सारे फोल्डर सारी चीजें इसकी इसी के अंदर रहती है। तो ये हमारे पे सब कुछ सारी चीजें हमारे पे ये है। ठीक है, तो हमारे पे ये फाइल है मैनेजर लिनक्स x64। तो यहाँ पे हम ओपन टर्मिनल कर लेंगे। ओपन टर्मिनल करने के बाद हम यहाँ पे फाइलों के अंदर आ चुके हैं, फिर ls कर लेंगे। ये बेसिक कमांड्स है कुछ लिनक्स की, सो कर लेंगे। ये सारी चीजें हमें दिखा रहा है कि इसमें कितने फोल्डर्स है। और ठीक है, तो हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना मैनेजर लिनक्स 64.run को। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 64 मैनेजर। ठीक है, मैनेजर 64.run को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक रूट टर्मिनल दे देते हैं .slash और इसको पेस्ट करके इसको एंटर कर देते हैं। परमिशन डिनाइड क्यों कह रहा है, क्योंकि हमने सुडो नहीं लगाया है। सुडो होता क्या है कि बेसिकली एक परमिशन होती है कि हम एक एडमिनिस्ट्रेटर है जो हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, सो सिंपली सुडो लगा देते हैं sudo प्रेस एंटर एंड पासवर्ड प्रेस एंटर। देन ये आपका एप्लीकेशन खुल चुका है, ये रैम सॉफ्टवेयर है ये खुल चुका है। ठीक है, आप मैनेज सर्विस में जाए और स्टार्ट ऑल कर दे, यानी MySQL का डाटाबेस भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, प्रो एक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाएगा, Apache का वेब सर्वर भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टार्ट होने के बाद आपको चेक करना क्या है कि ये स्टार्ट हुआ है कि नहीं, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए हम वेब ब्राउजर को खोल लेंगे। वेब ब्राउजर के अंदर ये पता चलेगा कि क्या लोकल सर्वर हमारा चल रहा है और क्या जो डाटाबेस है क्या वो चल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे आ चुके हैं वेब ब्राउजर पे। सो यहाँ पे हमें क्या डालना है, लोकल होस्ट स्लैश डैशबोर्ड पे प्रेस एंटर। सो देखो हमारे यहाँ पे चल रहा है XAMPP Apache प्लस MariaDB प्लस PHP प्लस ऑल। ठीक है, ये हमारे पे चल रहा है। अब ये तो देख लिया कि हमारे पे ये चल रहा है, अब देखना क्या है कि PHP एडमिन चल रहा है कि नहीं चल रहा है हमारे में। सो लोकल होस्ट करने के बाद PHP by admin फिर प्रेस एंटर। सो प्रेस एंटर करने के बाद देखा आपने यहाँ पे PHP by admin चल रहा है, यानी आप ये डाटाबेस का भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली जब भी हम होस्टिंग करते हैं तो हमें cPanel मिलता है और जो डाटाबेस है हमारे पे पूरा सर्वर मिलता है, तो बेसिकली यहाँ पे वही चीज है, वही इंटरफेस है। सो यहाँ पे हम वही सारे काम कर सकते हैं जो हम वहाँ पे सर्वरों पे करते हैं। तो ये हमारा लोकली होता है बट वो हमारा जो सर्वर पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कैसे चलता है। फिर फर्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं और आपको बता देता हूँ कि अपलोड फाइल्स को अपलोड करना कैसे होता है। फिर HD डॉक्स के अंदर चले जाते हैं हम। HD डॉक्स के अंदर हम यहाँ पे अपनी फाइल बना के इनको रन कर सकते हैं। यहाँ HD डॉक्स से होता क्या है कि HD डॉक्स से हम फाइल बनाते हैं HTML की और अपने वेब सर्वर पर यानी यहाँ पे वेब PHP XAMPP के थ्रू हम चेक करते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं।
सो जैसे यहाँ पे हमने आपको दिखाया था पहले किसी तरीके का एक डैशबोर्ड है, ये एक वेबसाइट है किसी तरीके की एप्लीकेशन HTML पे ही बनी है, तो ये है। तो इसी तरीके से आप अपना कैसे अपलोड करते हैं वो भी इस HTML बॉक्स के अंदर अपलोड होता है, ये बहुत सिंपल है। और यहाँ पे अपना फोल्डर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन इन टर्मिनल करना पड़ेगा और आपको रूट परमिशन देना पड़ेगा, यानी सूडो का यूज करना पड़ेगा, सूडो सू करके आपको इसको रूट परमिशन देना पड़ेगा। रूट परमिशन देने के बाद आप पासवर्ड डालने के बाद MKDIR करके फिर यहाँ पे फाइल बनाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे फाइल बनाने जाएंगे तो देखो ऑप्शन नहीं आ रहा है और ऐसा फाइल बनेगी भी नहीं, ठीक है। तो मैंने एक फाइल बनाई है रूट परमिशन, यानी अपना एक रूट एडमिनिस्ट्रेटर करके, और उसको यहाँ पे फाइल बनाई है और यहाँ पे मैं कुछ HTML की फाइल डालने वाला हूँ जिससे ये रन करे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इस वीडियो में जान चुके हैं कि XAMPP कैसे आफ्टर इंस्टॉलेशन कैसे इसको चलाया जाता है लिनक्स के अंदर। थैंक यू।